आदर्श नगर थाना अंतर्गत दर्ज चोरी के मुकदमे में आरोपी की निशानदेही पर चुराया गया माल बरामद। नारेली बड़ल्या में कबाड़ के गोदाम से चुराया गया था हजारों टन लोहा और स्क्रैप। आदर्श नगर थाना अंतर्गत 14 जून को परिवादी धर्मेश कुमार जैन ने नारेली बड़ल्या स्थित अपने कबाड़ के गोदाम से हजारों टन लोहे का माल और स्क्रैप चोरी होने का मुकदमा आदर्श नगर थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और सीओ साउथ मुकेश सोनी के निर्देशन में आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपी पालरा निवासी भीम सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर कबाड़ी भूपेंद्र सिंह ठाकुर के जनाना अस्पताल के पास स्थित गोदाम से चुराया गया माल लगभग 2,800 किलोग्राम लोहे के नट बोल्ट बरामद कर लिए और ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया, जबकि फरार कबाड़ी भूपेंद्र सिंह ठाकुर की तलाश जारी है। घटना की जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने बताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 14 तारीख को एक लोहे के गोदाम में से, जो स्क्रैप का गोदाम था, उसमें से करीब 8-10 टन माल चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके संबंध में गहनता से अनुसंधान कर संदिग्धों से पूछताछ की जाकर उसका खुलासा किया गया था। जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे, उनमें एक मुलजिम जो मुख्य अभियुक्त है, उसकी निशानदेही से आज जनाना अस्पताल के पास सिकरोड़ स्थित एक गोदाम भूपेंद्र सिंह ठाकुर है उसके गोदाम से करीब 2,860 किलो जो सेल वारदात में जो चोरी गया शेष माल है वो बरामद किया गया। मुलजिम की निशानदेही से बरामद किया गया। और भी कोई वारदात को बोलना? हाँ, उसके संबंध में उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। कितने करीब का माल है? करीब 7 लाख का माल उसने प्रार्थी ने बताया था, जो पूरा बरामद हो चुका है। तो इसके संग और भी साथी हैं? हाँ, और 3 साथी इसके और थे जो इसके चोरी की वारदात में शामिल थे, जिनको आज इसी करा दिया गया, क्योंकि यह कबाड़ी को बेचने वाला अकेला था, जिसको ये अकेला ही जानता था, जिसकी निशानदेही से आज माल बरामद किया गया। कबाड़ी के पास क्या पैसे दे दिए जाता क्या था? नहीं, आज तो नहीं, आज तो इसको पुलिस को सूचना दे के माल बरामद करवाया। आज तो कबाड़ी को डेफिनेटली इसने पहले रेट वगैरह जो भी तय करके माल बेचा है। पैसा को लेना होगा वो, चूँकि कबाड़ी आएगा तो वस्तु सामने आएगी, कबाड़ी अभी सामने नहीं आया। क्या क्या नाम है मुलजिमों के? मुलजिमों के नाम भीम सिंह है, नरपत है, और राय सिंह है, रायचंद है, और एक नानू है। निवासी कहाँ से? एक बड़लिया और पालरा के रहने वाला। तो पहले भी कोई वारदात है कि? उसके संबंध में से पूछताछ की जा कर रहे हैं। अब तो क्या सामान है ये? क्या है स्क्रैप में? कहाँ से लेकर आए हो? किसके लिए लाए हो? खाली करने के लिए। खाली करने? किसने मंगाया था? नहीं, लेकर आया। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो कुछ नहीं है, वापस लेना है। क्या भाव दिया था? किसको दिया था? बताओ। ठाकुर को दिया था। क्या भाव में दिया था? 35-36 रुपए किलो। अच्छा, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। हाँ बताओ, क्या बेटर है? सेठ जी, आपको फोन से की थी, कही थी चौकीदार एक आरोप रहता था मेरे साथ में। हाँ। उससे की थी ये सामान माल उतरवा लो, उसने माल उतरवा लिया था। क्या सामान है? बुल्ट नट बुल्ट निकले उसमें। कहाँ से आए ये? हैं, कहाँ से आए? कहाँ से लेके आए ये? हम लेके कहाँ आए? ट्रैक्टर लेके आया था बस। अच्छा, पुलिस आई है? पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई कर रही है, वो अपना माल लेके गई। अच्छा, सेठ जी का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह ठाकुर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? है अजमेर के ही हैं वो। अजमेर के? फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम तो कोई वोट पर लिखा नहीं है, कबाड़ा है ये तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू। क्या करते हो यहाँ पे? कबाड़ी में मैं काम करता हूँ, मशीन भी चलाता हूँ, और जिम्माल आता है ये उठा धराई डिब्बा डिब्बी।
ठीक।